ऑल राइट गाइस, तो हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं द ऑल न्यू एको डॉट फोर्थ जनरेशन का। तो अगर इसकी प्राइसिंग की बात करी जाए तो 3,249 रुपीज़ में आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में परचेज लिंक अवेलेबल है एंड इसका एक डिजिटल क्लॉक वर्जन भी है जिसको आप 4,249 रुपीज़ में परचेज़ कर सकते हैं। तो आज हम इसका कम्प्लीट साउंड टेस्ट करेंगे, साथ ही इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले इसकी बॉक्स पैकेजिंग हम देख लेते हैं। तो बॉक्स पैकेजिंग इसकी काफी कॉम्पैक्ट है। बॉक्स के टॉप में एको डॉट एलेक्सा की ब्रांडिंग है। बॉक्स के राइट साइड में से कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन है, आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पर इसकी प्राइसिंग मेंशन है 4,499 रुपीज़, बट इसकी एक्चुअल प्राइसिंग मैं आपको बता चुका हूँ। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा बॉक्स दिया गया है, इसके अंदर इसका पावर अडैप्टर दिया गया है एंड ये 15 वॉट का अडैप्टर है। ये रहा मेन स्पीकर, इसको निकाल के हम रखते हैं साइड में। इसके अलावा बॉक्स के अंदर इसकी यूज़र मैनुअल एंड कुछ कार्ड्स वगैरह दिए गए हैं। तो इसमें सभी स्टेप्स दिए गए हैं जिनको फॉलो करके आप स्पीकर को सेटअप कर सकते हैं। तो ये रहा मेन स्पीकर, तो आप इसको स्मार्ट स्पीकर के अलावा क्रिकेट बॉल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका शेप बिल्कुल बॉल की तरह है। तो ये 3 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है हमारे पास, ब्लैक है, आप ब्लू एंड व्हाइट में भी इसको परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका फिजिकल ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो स्पीकर टोटली जो है प्लास्टिक बिल्ड में आता है एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक इसमें यूज़ किया गया है। स्पीकर के टॉप में यहाँ पे फैब्रिक मटेरियल यूज़ किया गया है जो इसको काफ़ी प्रीमियम फील देता है। यहाँ पे इसके 4 बटन्स दिए गए हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन, एक्शन बटन एंड इस बटन से आप माइक्रोफोन को ऑफ कर सकते हैं। एंड इसमें कोई भी विजिबल माइक्रोफोन नहीं है, माइक्रोफोन इसकी ग्रिल के अंदर की तरफ है। तो थर्ड जनरेशन में माइक विजिबल थे एंड वो बाहर की तरफ दिए गए थे। स्पीकर के बॉटम पार्ट में इसका पावर इनपुट पोर्ट है एंड ये ऑक्स आउटपुट है, तो इसकी मदद से आप एक्सटर्नल स्पीकर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसको अपने होम थिएटर या किसी भी एक्सटर्नल स्पीकर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। स्पीकर के बॉटम पार्ट में इसकी रबर पैडिंग दी गई है ताकि अपने सरफेस पे ये स्टेबल रहे एंड यहाँ पे एक LED रिंग दी गई है जो दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है एंड इसको अभी हम ऑन करके चेक करेंगे। एंड इसमें कोई भी इनबिल्ट बैटरी नहीं है, आपको इसको हमेशा जो है पावर सोर्स से कनेक्ट रखना होगा। एंड अगर इसे मैं सेम प्राइस पॉइंट के MI स्मार्ट स्पीकर से कंपेयर करूँ तो इन दोनों के साइज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब इसको पावर सोर्स से हम कनेक्ट कर देते हैं। Hello, your device is ready for setup. Just download the Alexa app and follow the instructions. तो Amazon Alexa app को हम open कर लेते हैं। तो इसमें मैंने already अपनी ID से login किया हुआ है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इसके यूज़र हैं तो आपको अपनी Amazon ID से इसमें login करना होगा। तो डिवाइस को सेटअप करने के लिए आपको डिवाइसेस पे क्लिक करना है एंड इसके बाद आपको एड अ डिवाइस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक और डॉट पॉपअप हो चुका है, इसमें हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको अपने वाईफाई कनेक्शन से इसको कनेक्ट करना होगा एंड ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तो बेडरूम यहाँ पे मैं चूज़ कर देता हूँ एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ एंड सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसको कुछ कमांड देके हम चेक करते हैं। एलेक्सा, अभी टाइम क्या हुआ है? दोपहर के 2:14 हुए हैं। आशा है आपका दिन अच्छा गुजर रहा है। एलेक्सा, देहरादून का मौसम कैसा है? देहरा, भारत में साफ मौसम और धूप के साथ तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। अधिकतम 32 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री के आसपास के तापमान के साथ आज के मौसम का अनुमान स्थिर रहेगा। एलेक्सा, कुछ हिंदी सॉन्ग्स प्ले करो। जियो सावन से प्लेलिस्ट प्लेइंग टॉप हिंदी सॉन्ग्स। एलेक्सा, चुप हो जाओ। तो अगर इसे आप एज अ स्मार्ट स्पीकर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको एज अ ब्लूटूथ स्पीकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लूटूथ स्पीकर की तरह यूज़ करने के लिए आपको उसको एक कमांड देनी होगी। एलेक्सा, कनेक्ट विद माय फोन। सर्चिंग, आई डिडंट फाइंड एनीथिंग टू कनेक्ट।
टू पेयर समथिंग न्यू गो टू द ब्लूटूथ सेटिंग्स ऑन योर मोबाइल डिवाइस एंड चूज एको डॉट डैश क्यू यू आर। तो यहाँ पे एको डॉट क्यू यू आर लिखा हुआ चुका है, इसमें हम क्लिक कर देते हैं एंड ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। नाउ कनेक्टेड टू ब्लूटूथ। तो फटाफट से इसमें कुछ सॉन्ग्स प्ले करके हम इसका साउंड आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल प्योर साउंड आउटपुट तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप अपने माइक के थ्रू एंड उसके बाद अपने गैजेट के स्पीकर के थ्रू सुनने वाले हैं, बट यहाँ पर आपको कुछ आइडिया तो मिल ही जाएगा। साथ ही मैं साउंड टेस्टिंग के लिए नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक यूज़ करने वाला हूँ, तो अगर आप हिंदी या पंजाबी सॉन्ग्स में इसका साउंड टेस्ट देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी इसके साउंड आउटपुट की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बेस की। तो अगर इसका साइज़ देखा जाए तो अपने साइज़ के हिसाब से इसका बेस आउटपुट काफ़ी अच्छा है। 50-60% तक तो काफ़ी अच्छा बेस इसका आता है, बट अगर आप 80% से ऊपर वॉल्यूम करते हैं तो बेस यहाँ पे काफ़ी कम फील होता है। बट अगर इसे आप सेम प्राइस पॉइंट के नॉर्मल ब्लूटूथ स्पीकर से कंपेयर करते हैं तो उनका बेस आउटपुट इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ट्रिबल्स इसके डिसेंट है एंड वोकल्स क्लैरिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। एंड अगर यहाँ पे इसके डिस्टॉर्शन की बात करी जाए तो अगर आप 80% से ऊपर वॉल्यूम को करते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्टॉर्शन फील होगा, बट वो काफ़ी कम होगा। लाउडनेस की बात करी जाए तो अपने साइज़ के हिसाब से काफ़ी लाउड है, एक स्मॉल साइज़ के रूम के लिए ये इनफ है। तो अब बात कर लेते हैं ऐसे कुछ प्रॉज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रॉस की। तो सबसे पहला प्रॉज है काफ़ी पोर्टेबल है, सेकंड इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, थर्ड इसमें 3.5 mm ऑक्स आउटपुट दिया गया है, तो आप एक्सटर्नल स्पीकर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ऐसे कुछ कॉन्स की। तो सबसे पहला कॉन है इसमें मुझे वॉइस रिकॉग्निशन इशू देखने के लिए मिला हाई वॉल्यूम में। तो अगर आप हाई वॉल्यूम में सॉन्ग्स को प्ले करते हैं और उसके बाद इसको कमांड देते हैं तो तब ये वॉइस को कैप्चर नहीं कर पाता। एंड अगर आप स्पीकर से काफ़ी दूर बैठे हैं एंड तब इसे कमांड करते हैं तो काफ़ी मुश्किल से आपकी वॉइस को कैप्चर करेगा। सेकंड कॉन जो मुझे अलेक्सा डिवाइसेस का लगता है, ये यूट्यूब एंड गूगल कंटेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अमेजोन एंड गूगल यहाँ पे राइवल्स कंपनी है, दैट्स वाई ये गूगल को सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर आप यूट्यूब कंटेंट इसमें प्ले करना चाहते हैं तो ब्लूटूथ के माध्यम से आप इसमें प्ले कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि आपको स्पीकर परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपके सामने कन्फर्म करना चाहता हूँ, तो फोर्थ जनरेशन में यहाँ ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं किया गया है, ये बिल्कुल थर्ड जनरेशन जैसे ही है। तो अगर आप अभी थर्ड जनरेशन यूज़ कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको फोर्थ जनरेशन में अपग्रेड करना चाहिए। हाँ, ये साउंड में थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया गया है, बट इतना कोई खास इम्प्रूवमेंट भी नहीं है कि आपको फोर्थ जनरेशन में अपग्रेड करना पड़े। बट अगर आप एक न्यू यूज़र हैं एंड अलेक्सा डिवाइस को आप परचेज करना चाहते हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ओवरऑल अच्छा स्मार्ट स्पीकर है अपने प्राइस पॉइंट पे। एंड अगर आप इसे एज अ ब्लूटूथ स्पीकर यूज़ करना चाहते हैं तो ये मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप सेम प्राइस पॉइंट पे ब्लूटूथ स्पीकर परचेज कर सकते हैं, इसका साउंड आउटपुट आपको इससे भी बेहतर मिलेगा। तो आप स्पीकर के बारे में क्या सोचते हैं एंड आपको स्पीकर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।